हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सब लोग जानते हैं कि इस पैंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम पढ़ाई क्यों करें और बाकी कोई पढ़ नहीं रहा और मैं क्यों पढ़ू। एग्जाम के लिए मैं तैयार कर रहा था, सर एकदम रेडी था और लास्ट मोमेंट में एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो जा रही है। एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो जा रही है तो उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारा टेम्पो बना हुआ था पढ़ाई करने का वो बिगड़ जाता है एंड वी बिकम लेजी। और फिर पेरेंट्स पूछे, टीचर पूछे या अपने आप से हम बात करें तो एक ही आता है, अरे मैं पढ़ाई कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई नहीं पढ़ रहा और मेरे अकेले पढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, मैं ना मेरा कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, ना कोई इधर उधर पढ़ रहा है, ना मेरा कॉम्पिटिटर भी पढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ और एनी इंडिविजुअल के स्टूडेंट के साथ, उसको ओवरकम करने के लिए आज आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। आप लोग कृपया इस स्टोरी को लास्ट तक सुने, समझे, उसके भावार्थ को समझे और आप समझिए कि वो आप ही हो जो इसको चेंज कर सकते हो। तो आज आप सबके सामने में वो छोटी सी स्टोरी लेके आता। एक गांव था छोटा सा, उस गांव में सब खेडूत खेती करते हैं। अब जब खेडूत लोग खेती करते हैं तब उनको मालूम है कि उनकी खेत जो है, उसकी खेती की जो निपज है वो तीन चीजों पर आधारित है। एक उनके खुद के द्वारा जोता गया खेत जो वो मेहनत से करते हैं, दूसरा कि भगवान इंद्रदेव की कृपा से गिरने वाली बारिश। हम इंडिया है, इंडिया कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पे खेती आज की तारीख में भी बारिश पे निर्भर है। बारिश अगर अच्छी होगी तो खेत पाक अच्छा आएगा, पाक अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और तीसरा कि भाई मार्केट कैसा होगा, जो खेती की जो निकल जाएगी उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्या भाव मिलेंगे क्या नहीं। बट पहला, सबसे जो पहला फैक्टर था वो किसके हाथ में था, इंसान के। क्या कि खेती तुम्हें करनी है तो खेत आपको ही खुद को खेदने पड़ेंगे, जी हाँ ये आपके हाथ में था। दूसरा फैक्टर इंद्रदेव, बारिश कितनी होगी वो आपके हाथ में नहीं था, और बारिश होगी उसके बाद निपज होने के बाद उसका कितना भाव मिलेगा मार्केट वो भी आपके हाथ में नहीं था। तो जो आपके हाथ में था वो था खेती करना, बराबर है, ये सब जानते थे। हाँ सब जानते हैं। अब एक छोटा सा गांव था, गांव के लोग बहुत अच्छे थे, समृद्ध थे, उन गांव की खेती बहुत फेमस थी, जैसे कि हम कहते हैं कि बलसा की केसर, तलारा की केरी, इसी तरीके से उसका पूरा गांव का जो खेती का नीपज था बहुत फेमस था। गांव के खेडूतों को एक बार अभिमान आ गया कि इंद्रदेव कुछ करे ना करे हमारी खेती, हमारी जमीन इतनी अच्छी है कि हम लोग यहाँ पे खेती करेंगे तो कोई भी नीपज उगा सकते हैं और अच्छे से अच्छी A1 कैटेगरी। ये बात इंद्रदेव तक किसी ने पहुंचा दी। अब इंद्रदेव हो गए क्रोधित, इंद्रदेव क्रोधित हुए तो वो आए, अब जहाँ पे गांव के सब खेडूत लोग बैठे थे उनके सामने आके उन्होंने कह दिया कि आप लोग ने ऐसा बोला है जिससे मैं आहत हुआ हूँ और मैं श्राप देता हूँ कि आपके गांव पे आने वाले अगले 12 साल तक खेती नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लो 12 साल तक, अगले 12 साल तक पानी बरसेगा नहीं। अब ऐसा सुनते ही खेडूतों के पसीने निकल गए, उन्होंने इंद्रदेव से माफी मांगी, हे प्रभु इसका कुछ रास्ता निकालो, हम तो नादान है, हम तो आपके बच्चे हैं, अब कुछ रास्ता निकालो। तो इंद्रदेव ने कहा मैं रास्ता तो निकालता हूँ लेकिन वो रास्ता मेरे पास नहीं है, अब जो मैंने बोल दिया, श्राप तो मैंने दे दिया, मेरे श्राप का निवारण शंकर भगवान के पास है। तो वो सब लोग गए शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान ऐसा हुआ है कि ये इंद्रदेव ने हमें श्राप दे दिया, 12 साल तक अगर बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे जिंदा रह पाएंगे। सही है, तो लेकिन मैं क्या करूं, तो इंद्रदेव ने हमें ये श्राप दिया है। तो लेकिन इंद्रदेव को ही मालूम है कि उस श्राप का निवारण क्या होता है, जो देता है उसको ही मालूम है तो उसका निवारण क्या है। तो इंद्रदेव ने बोला कि प्रभु निवारण है लेकिन वो आप है। तो क्योंकि वो कैसे कि जब आप डमरू बजाएंगे तब बारिश गिरेगी उस गांव पे। ठीक है, अच्छा तो आप सब खेडूत लोग गए शंकर भगवान गए, प्रभु कि कृपया कर आप डमरू बजा दीजिए तो हमारे ये प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा। और शंकर भगवान, डमरू तो मैं ऐसे बजाता नहीं हूँ, लेकिन कब बजाओगे, जब मैं खुश होऊंगा। खुश कब होऊंगा, कि जब तुम लोग मेहनत करोगे। तो भाई ये कैसे कि भाई ऐसे तो मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। कब खेडूतों को मालूम पड़ गया कि इंद्रदेव और शंकर भगवान मिले हुए हैं और ये हमारी कोई हेल्प करने वाले नहीं है, ना शंकर डमरू बजाएगा, ना बारिश गिरेगी, ना अपनी खेती होगी। तो ये भाई सब लोग वापिस अपने
गांव में आके बैठ अब 12 साल खत्म होने का इंतजार करने लगे। गांव के सब खेलू इंतजार कर रहे थे। उस गांव में एक इंसान ऐसा भी था भाला करके, वो भाला को इंतजार करना पसंद था नहीं। ये भाला ने क्या किया कि वो हर रोज सुबह हर रोज नित्य क्रम के हिसाब से सुबह जाता था, अपने बेल वेल लगाता था और खेती खेलना चालू कर देता था। उसके खेती की जो निपज होनी है इसके लिए वो वहाँ पे खेरिया बनाता था, वहाँ पे उसको खेतना चालू करता था, बीज रोपता था और जो कुछ भी प्रोसेस थी जो उसके हाथ में थी वो सब करता रहता था। ऐसा पहला साल गया, दूसरा साल गया, क्योंकि बारिश होती नहीं थी, लोगों जितनी उसकी मेहनत की थी वो पानी में चली जाती थी। पहला साल गया, जीरो हो गया। दूसरा साल गया, भाला ने मेहनत की, जीरो हो गया। तीसरा साल गया, भाला ने मेहनत की, जीरो हो गया। चौथा पांचवा साल जब जाने लगा तब भाला के घर वाले तो खुद परेशान थे, भाला की भाई ये भाला क्या कर रहा है, ये क्यों इस तरीके से मेहनत कर रहा है, बाकी पूरे गांव को मालूम है जब 12 साल तक कुछ होने ही नहीं वाला है तो ये मेहनत क्या करेगा, क्या फायदा होने वाला है इससे। लेकिन नहीं, मैं करता रहूंगा। अब गांव के सब पंचायत लोग सब बड़े बुजुर्ग मिल के भाला को समझाने गए, देख भाई भाला कि तुम शहर में नौकरी ढूंढो, अब ना तो अच्छी बारिश होती है और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। तू कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी खेती कर ले या कुछ भी करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे गांव को इंद्रदेव ने क्लियर कट श्राप दिया है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। हाँ मुझे भी मालूम है। तो जब तुझे मालूम है कि बारिश नहीं होगी तो हर साल खेत करता है, ये सब करता है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, तेरी मेहनत ही खराब जा रही है ना। तू परेशान हो रहा है, तेरे को परेशान देखते हुए हमें परेशानी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो करूंगा। अब उसकी भाला की बीवी आई शाम उसके पास के भाला जो कुछ भी ये गांव के लोग कह रहे हैं मुझे लगता है ये सही है, मुझे भी मेहनत कर देना बंद कर देना चाहिए। अब ये खेती खेलना ये सब करना इससे अच्छा हम कहीं और चले जाते हैं और वहां पे बाद में जब 12 साल खत्म होंगे इधर आ जाएंगे। तो भाला कहता है कि नहीं मैं तो यही करूंगा। कि क्यों करना चाहता है, दो रीजन है मेरे पास। एक, अगर मैं खेती करता रहूंगा तो मुझे मालूम है कि खेती कैसे करनी है, वो मेरी ताकत, वो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी जो स्किल है वो बनी रहती है। वो मैं खेती इसलिए करता हूँ कि मैं कहीं भूल ना जाऊं कि खेती कैसा करना है। और दूसरा, मेरी खेती करने की वजह से मेरी जमीन की फलद्रुपता बनी रहती है। अब ये जो बात भाला अपनी बीवी के साथ कर रहा था, वहां से ऊपर से कैलाश धाम में बैठे पार्वती माता भी सुन रहे थे। अब पार्वती माता को भी टेंशन आ गई कि भाला जो बोल रहा है बात तो सही है कि अगर वो खेती करता रहता है तो उसको मालूम है कि खेती कैसे करनी है। अभी हमारे शंकर भगवान ने तो पिछले 5 साल से डमरू बजाया ही नहीं है, और 5 साल से डमरू नहीं बजाया तो कुछ ऐसा नहीं होगा शंकर भगवान को डमरू बजाना भूल जाए। तो वो गए शंकर भगवान के पास कि ऐसे ऐसे बात हुई है और ऐसा ऐसा हुआ है और वो इंसान ऐसा कह रहा है कि क्या उसमें क्या हुआ। तो प्रभु आप खुद चेक तो करो कि आपको डमरू बजाना आता है कि नहीं, ऐसा ना हो कि आप भी डमरू बजाना भूल गए हो और आपकी भी बात पर लग जाए, फिर कोई आएगा नहीं आपके पास। अरे ऐसा क्या बात करते हो पार्वती, उन्होंने शंकर भगवान ने डमरू लिया और नन 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 बजाना चालू किया। जैसे ही डमरू बजा श्राप खत्म हो गया और बारिश गिरी उस गांव में। बारिश गिरी तो पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक ही खेत था कि जो खेती के लिए रेडी था, वो भाला का खेत। वो भाला के खेत के अंदर पाक लगा, फल हुए, इतने फल हुए कि वो चारों तरफ से उसका उद्धार हो गया। पर बाकी सब खेत के जो लोग इतने साल से खेती ही नहीं कर रहे थे, बैठे थे इंतजार में कि अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बाबा सिर्फ हाथ पे हाथ रखने बैठे रहने से कुछ नहीं हुआ। उनके किसी भी खेत में ना तो खेती थी, ना बीज थे, ना कुछ हुआ था, पर जमीन सब बंजर हो चुकी थी। तो वो साल तो खेती नहीं हुई और अगले 3-4 साल तक खेती नहीं हुई वहां पे। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सब लोग भूल चुके थे खेती कैसे करनी थी, जमीन बंजर हो चुकी थी, बाबर पाक लग नहीं रहे थे और वो सब। इंसान अपना खुद का नुकसान अपने हाथों से करता है, इसीलिए सभी बच्चों को भाला से प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा करे ना करे आप अपनी प्रैक्टिस चालू रखो, आप अपने हिसाब से अच्छा करते जाओ। जब भी भगवान खुश होंगे, जब भी अच्छा समय आएगा, जब भी टाइम आएगा, तब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप फर्स्ट होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपकी जय जयकार होगी और आपको ही उसका फायदा होगा, दूसरे को नहीं। जो आपके हाथ में था वो मेहनत करना था, इसीलिए छोटी सी स्टोरी आज आप तक को लिए पहुंचा रहा हूँ। आप सब बच्चे खुद सुने, इससे प्रेरणा लें और सभी शिक्षक मित्रों से वाले मित्रों से निवेदन है कि वो अपने
ये स्टोरी अपने बच्चे को भी सुनाए और उसको भी समझाए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कि ये ईयर जब हम यहाँ पे हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, तब पढ़ाई करना हमारे हाथ में है, उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जो गीता में कहा गया है वो कल भी सही था, आज भी सही है और आने वाले समय में भी सही रहे। कृपया आप अपने कर्तव्य पे फोकस कीजिए, बातों पे नहीं। ऑल द बेस्ट।